पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद ने अपनी पहचान पीतल की चमक के रूप में दूर तक बिखेरी है और अब मुरादाबाद अपनी नई पहचान बनाने के लिए भी तैयार है। दरअसल यूपी समिट में मुरादाबाद के व्यापारियों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल किए हैं, जिसके तहत मुरादाबाद के किकी गुप्ता ने भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यूपी सरकार को सौंपा है। इसी प्रोजेक्ट पर के गुप्ता से जब बात की गई, तो उनका कहना है कि इन्वेस्ट यूपी में हमने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जिसमें हमने वर्ल्ड लेवल का मैट्रिमोनी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट सबमिट किया। इनका कहना है कि ये वर्ल्ड लेवल का एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जिसमें हिंदुस्तान के सभी कल्चर शामिल होंगे और सभी कल्चर में यहाँ शादी की जा सकती है। के गुप्ता का कहना है कि यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट को अनुमति देती है तो मुरादाबाद के साथ साथ अन्य जनपदों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। देखिए, हमारी कंपनी है मौलशी कदम प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हमने इन्वेस्ट यूपी जो प्रोजेक्ट हुआ था उसको क्या कहते हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट डाला था, जिसमें क्या कहते हैं, हमने दिया था एक वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड का पहला मैट्रिमोनी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा एक ब्रांड है शादी जंक्शन। तो उस शादी जंक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं कि विवाह जो है एक बहुत बड़ा उत्सव होता है किसी के भी व्यक्तिगत जीवन का, और हिंदुस्तान में विवाह बहुत प्रकार के किए जाते हैं। हमारे उत्तर भारत क्षेत्र में अलग तरीके से विवाह होते हैं, बंगाल में अलग तरीके से होते हैं, बिहार में अलग तरीके से होते हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से विवाह सम्पन्न कराए जाते हैं। जिस प्रकार से फूड पार्क होते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के व्यंजन आपको देखने सुनने को खाने को मिलते हैं, उसी प्रकार से इस मैट्रिमोनी पार्क में आपको विवाह के विभिन्न प्रकार जो है आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे। उसके लिए हमने, क्योंकि ये वर्ल्ड का यूनिक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है, एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट हो सकता है, और एक क्यूरियोसिटी रहती है लोगों के मन में कि वहाँ किस तरीके का विवाह होता है, या बंगाल में किस तरीके का होता है, या पंजाब में किस तरीके का होता है, या नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से विवाह संपन्न होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आजकल एक और परंपरा चल रही है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। हम उसको भी कंडम करने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिवार एक बहुत बड़ी इकाई है जिसको हम लोग इसके माध्यम से प्रमोट करेंगे। विवाह होगा तभी आगे जा करके वो चीज़ें सफल हो पाएंगी, तो उसको भी हम लोग इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो लोग, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सब लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो बंगाल के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, कर्नाटक के भी हो सकते हैं, तो अगर वो अपनी रीति से विवाह करना चाहते होंगे तो वो सारी सुविधाएं उन्हें इसी जगह पर उपलब्ध होंगी। आप इस पार्क के अंदर चाहे तो राजस्थानी विधि से शादी कर सकते हैं, चाहे आजकल कल्चर है रिसोर्ट में जाकर शादी करने का, तो वहाँ भी वो सारी सुविधाएं आपको रिसोर्ट जैसा कल्चर या राजस्थानी कल्चर या वो राजपूताना कल्चर या बिहार वाली सारी सेटिंग या बंगाल का कल्चर या साउथ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वो सारा आपको इसी एक ही जगह पर आपको सब उपलब्ध होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।